hello guys my name is hansraj jain and you are welcome in the first episode of learn english by short stories so here we have a short story and we can learn so many words phrases in english by short stories so first we are going to read the story the best bee long time ago there was a bee named billy billy was a cute little bee but he was brave and wise he enjoyed playing in the garden उट नाइस nice. तो चलिए देखते हैं हम इस शॉर्ट स्टोरी से कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ द बेस्ट बी वी नो बेस्ट मीन्स अच्छा बट वेन वी एड दिकम्स सबसे अच्छा द बेस्ट वेन वी से सबसे अच्छा तो हम यूज करते हैं द बेस्ट द बेस्ट बी मीन्स सबसे अच्छी मधुमक्खी ओके फर्स्ट लर्निंग इज द यूज ऑफ द द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा ओके okay. आगे चलते हैं लॉन्ग टाइम अगो इसका मतलब है बहुत समय पहले जैसे हम कहते हैं तीन दिन पहले चार दिन पहले तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि बिफोर थ्री डेज Before four days, before long, long time, no, we say long time ago, three days ago, four days ago, like uh, before, तीन दिन पहले जैसे हम लेते हैं हमको लिखना है तीन दिन पहले तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि बिफोर थ्री डेज दिस इज़ द रोंग वे टू से तीन दिन पहले इन इंग्लिश वी से थ्री डेज अगो दिस इज़ दे राइट वे टू से तीन दिन पहले तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले देरवाज ए बी नेम्ड बिल्ली एक मधुमक्ख की थी जिसका नाम बिल्ली था बिल्ली वॉज अ क्यूट लिटिल बी बिल्ली एक अच्छी सी छोटी सी मधुमक्ख की थी बट ही वॉज ब्रेव एंड वाइज ब्रेव मीन्स बहादुर जो साहसी हो एंड वाइज मीन्स जो किसी भी सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले सके ओके सो ब्रेव मीन्स बहादुर एंड वाइज मीन्स जो सिचुएशन के हिसाब से अच्छा डिसीजन ले आगे चलते हैं ही एंजॉयड प्लेइंग इन द गार्डन ही एन्जॉयड प्लेइंग इन द गार्डन क्योंकि यह पास्ट की स्टोरी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं वाज यूज कर रहे हैं ओके okay. क्योंकि पास्ट की स्टोरी बोलने के लिए पास्ट में हम यूज करते हैं और मोस्टली पास्ट सिंपल का यूज करते हैं सो ही एंजॉयड प्लेइंग इन द गार्डन वन सनी डे ही बी हाइव। वाट इज बी हाइव बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता सेट ऑन फायर सेट ऑन फायर दिस इज ए फ्रेज सेट ऑन फायर मीन्स आग लग जाना सेट ऑन फायर आग लग जाना ही सा उसने देखा अगेन वी यूज सेकेंड फॉर्म बिकॉज़ वी आर टेलिंग द पास्ट स्टोरी ओके ही सा सेट ऑन फायर एक मधुमक्खी के छत्ते पे आग लगी लग हुई थी ही वॉज ब्रेव इनफ ब्रेव इनफ वेन वी यूज इनफ विद समथिंग देन इसका मतलब होता था बहादुर पर्याप्त बहादुर थी इतनी बहादुर थी ही वॉज ब्रेव इनफ टू हेल्प अदर बीज आउट वह पर्याप्त बहादुर थी वो इतनी बहादुर थी कि दूसरी मधुमक्खियों को भी बाहर ले आई बीज आउट बाहर ले आई उनको बाहर निकाल दिया या फिर उनको बचा लिया सो so, इस तरह से हम इंग्लिश सीख सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से भी यहाँ पे रिपीट करते हैं हमने क्या क्या सीखा यूज़ ऑफ द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा लॉन्ग टाइम अगो यूज़ ऑफ अगो we से कुछ समय पहले लाइक like तीन दिन पहले चार दिन पहले एक महीने पहले वन मंथ अगो एंड हमने सीखा ब्रेव ब्रेव मीन्स बहादुर वाइज मीन्स जो सिचुएशन के हिसाब से अच्छा निर्णय ले जिसको मतलब एक्सपीरियंस हो और वो अच्छा डिसीजन ले वो बहुत वाइज कहलाता है and we are using past because we are past forms because we are telling a story that happened in past okay so we use past forms second forms one Sunday he saw a beehive beehive means मधुमक्खी ka छत्ता set on fire means it is a phrase it means aag lag jana set on fire was brave enough brave enough in इतनी बादुरती कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकती आउट ओके okay? तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं अब शॉर्ट स्टोरी की एक बहुत ही अच्छी खासियत है अब हमने इसको सीख लिया देख लिया इसमें जो भी कठिन वर्ड थे वो सब देख लिए तो अब हमको इसको रिपीट करना है इंग्लिश के अंदर तो हम वापस रिपीट करते हैं बिना कुछ देखिए द बेस्ट बी लॉन्ग टाइम He was a cute little bee. Conan. Huh. He was a cute little bee. And he was brave and wise. He enjoyed playing in the garden. One sunny day, his bee nest set on fire. And he was brave enough to.

पढ़ भी लिए सुन भी लिए और बोल भी लिए बस सुन लिया कैसे जैसे मैंने मेरे ये वीडियो को देख के आपके आपने सुन लिया तो आपकी सुनने की प्रैक्टिस हो गई आपने पढ़ भी लिया उसकी प्रैक्टिस हो गई और लास्ट में आपने बोल भी लिया तो तीन तरह की प्रैक्टिस एक शॉर्ट स्टोरी से हो जाती है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बाय बाय